मथुरा जनपद के जैत थाने में आगामी त्योहार के मद्देनजर सीओ सदर प्रवीण मलिक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के प्रमुख नागरिक जनप्रतिनिधि एवं धर्मगुरु प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को देखते हुए मथुरा में पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। इसी क्रम में जगह जगह शांति समितियों की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। मथुरा के थाना में भी बकरी ईद और मुड़िया पूर्णिमा मेला के त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए पीस कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि और धर्मगुरुओं ने शिरकत की। इस दौरान सीओ सदर प्रवीण मलिक ने त्योहारों को सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में अवगत कराया। जुम्मे की नमाज को भी सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भी अपील की। सीओ सदर प्रवीण मलिक ने कहा कि सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की अफवाह पर भी ध्यान न देने की अपील की। जैसा कि आप परिचित हैं कि आगामी 10 जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा, उसी को लेकर हम लोगों ने शांति समिति की मीटिंग की थी और जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उन्हीं से संभ्रांत व्यक्तियों को अवगत कराया गया है। क्या कुछ निर्देश? जो निर्देश हैं वो बकरीद को लेकर हैं, साफ सफाई को लेकर हैं और जो कुर्बानी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं उनको ही हम लोगों ने यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों को और मुस्लिम भाइयों को, दोनों समुदाय के लोगों को अवगत कराया है।